हेलो दोस्तों, कुकिंग विद स्वर्णलता में आपका स्वागत है। आज हम इस तरीके खिले खिले नूडल्स बनाना सिखाएंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने नूडल्स लिए हैं, आप अपनी पसंद से कोई भी नूडल्स ले सकते हैं। इस तरीके से आप ओपन करें जिससे टूटेंगे नहीं। अब इन्हें बॉयल करने के लिए पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसमें नूडल्स को 2 मिनट बॉयल करेंगे। देखिए चिपके भी नहीं है क्योंकि ऑयल डालने से चिपकते नहीं है। अब यहाँ गैस बंद कर दी और इन्हें ठंडा करने निकाल दिया है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। लंबी कटी हुई प्याज को 1 मिनट के लिए हम सौते करेंगे जिससे इनका कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ी सी हम इसमें गाजर डालेंगे, शिमला मिर्च, और अब इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी। हम इन सबको हल्का सा हम सौते कर लेते हैं इस तरीके से जिससे कि इनका कच्चापन दूर हो या थोड़ा सा क्रंच बना रहे। अब इसमें बॉईल किए हुए हम डालेंगे नूडल्स और इसमें आप सॉसेज डालेंगे। 1 चम्मच हमने रेड चिली सॉस, 1 चम्मच इसमें सोया सॉस, 1 चम्मच इसमें ग्रीन चिली सॉस और थोड़ा सा विनेगर और लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल के इन्हें अच्छे से मिला लेंगे हल्के हाथों से। देख सकते हैं नूडल्स देखते ही आपके मुँह में पानी आने लगा होगा। इस तरीके खिले खिले नूडल्स बनाना बहुत आसान है। अब टमाटो टॉस सॉस डाल के इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पसंद आए रेसिपी तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।